ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएंगे। और आज भी हम मनी मैटर्स सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते ही देखते फरवरी का महीना ख़त्म होने जा रहा है और हम आशा करते हैं कि इस महीने मनी मैटर्स के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, समझा है। यस, और दोस्तों आज हम एक खास टॉपिक को देख रहे हैं, वो है जो बदनसीब है, जो गरीब है, जो मजबूर है, उनकी मदद हमें क्यों करना है और कैसे करना है। जी इनफैक्ट राहुल, मुझे वो वचन याद आ रहा है जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं, जो कहता है कि जब हम किसी कंगाल को देते हैं, किसी गरीब को देते हैं, तो हम परमेश्वर को उधार देते हैं और परमेश्वर हमें सही समय पर उसका प्रतिफल ज़रूर देता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर ने अगर आपको आशीषित किया है, आपको ज़्यादा दिया है, तो वो इसलिए ही नहीं ताकि आप उसका आनंद उठाएं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के मदद आए। दोस्तों यही परमेश्वर को भाता है, यही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जी, और हमारा विश्वास है कि इस महीने हम सब ने बहुत कुछ सीखा है पैसों को लेकर के और धन को लेकर के, और हम सब जेनरोसिटी में और देने में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हम आज आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप आगे बढ़ कर के लोगों के जीवन में आशीष ला रहे हैं, उसी तरह परमेश्वर भी बहुतायत से आशीष आपके जीवन में लेकर आए। यस दोस्तों, और आपके प्रोत्साहन के लिए हम आपके लिए खूबसूरत कहानी लाए हैं। कहानी है अमित अलेक्जेंडर की, और आइए हम उनको देखें और देखें कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में उनका इस्तेमाल किया ताकि वो दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट लाए। बचपन से अगर तरबियत सही मिली हो तो बच्चे अपने ईमान से भी बखूबी जुड़े रहते हैं, और कुछ ऐसा ही अमित के साथ हुआ। मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर प्रभुचरण, मोर देन 40 इयर्स उन्होंने परमेश्वर की सेवा को किया, और मेरे ग्रैंडफादर फैमिली में एक ऐसे जन रहे जिन्होंने हमारे अंदर विरासत के रूप में कह सकते हैं परमेश्वर को बो दिया। परमेश्वर की नजदीकी में अमित बढ़ने लगे और बरेली से अपने स्कूल की पढ़ाई को खत्म करके उन्होंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। परमेश्वर ने अमित चरण को आशीषित किया और उन्होंने अपनी नौकरी के साथ PhD को भी कंप्लीट किया, और साथ ही एक ग्रुप की भी स्थापना की जिसका नाम हार्वेस्टर्स रखा गया। और ये ग्रुप महज 3 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत हुई, और ये धीरे धीरे करके आज भी वो सेवाएं चल रही हैं, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने शुरू किया था, परमेश्वर ही इस काम को आगे लेके जा रहा है। अमित चरण की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें हर वो चीज दी हुई थी जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन अचानक अमित को अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेना पड़ा। लेकिन जब जॉब में रहते हुए प्रेशर बढ़ने लगा और चीजें सही नहीं होने लगी, तो हमने डिसाइड करा कि हम वापस अलाहाबाद से सारी चीज़ें पैकअप करके हम बरेली आ जाएंगे। लेकिन तब भी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं थी। फाइनेंशियल क्रंच एक बहुत था जो हमारी फैमिली को हमने फेस करना पड़ा। शायद ऐसा समझ सकते हैं कि एक पेड़ जो अपनी जड़ पकड़ चुका है, 10 ईयर्स हो चुके हैं और चीज़ें सब इस्टेब्लिश हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, वाइफ भी एक जॉब में है, और मुझे भी लगातार 10 साल हो गए हैं जॉब करते करते। सडनली उस समय में एक शहर से दूसरे शहर में आना और नई भूमि में लगना बहुत डिफिकल्ट था, और वी वर इनटू टीयर्स, हम रो रहे थे वहाँ से आते हुए, और चीज़ें बहुत शैटर्ड जैसी लग रही थी। आगे फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा था। प्रेशर के साथ साथ कोविड वाली सिचुएशन भी, लॉकडाउन वाली सिचुएशन भी व्याप्त हो रही थी, धीरे धीरे वो फैल रही थी। लेकिन अमित ने परमेश्वर में अपने भरोसे को कमजोर नहीं होने दिया और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, और जो बीज उनके दादा ने उनमें परमेश्वर की कलम के द्वारा बोया था वो इस समय में उनके काम आया। जिस समय खराब समय हमने देखा, एक ऐसा फेज देखा जिसमें चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, चीजें खराब सी हो गई थी,
उन समयों में ये फाउंडेशन की बातें जो मेरे ग्रैंडफादर के जरिए हमें सिखाई गई, बताई गई, हमें बड़ा मजबूत रखा, हमारी फैमिली को बहुत मजबूत रखा, और किसी भी तरीके से परमेश्वर ने हमें शर्मिंदा नहीं होने पाया, होने दिया। भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों के मुंह को काला नहीं होने देता, निराशा और लज्जा में लाने नहीं देता। अमित ने इस मुश्किल समय में भी परमेश्वर के कामों को नहीं रोका और निरंतर वो उनको करते रहे। और हमने लगातार गिविंग पे तब भी विश्वास किया, जैसे हम गिविंग कर रहे थे हम वैसे ही गिविंग हम कंटिन्यूसली करते चले गए। हम जैसे सपोर्ट प्रभु के दासों का कर रहे थे, चर्चेस को कर रहे थे, हम वैसे ही सपोर्ट करते चले गए। ज़रूर चीज़ों में कटौती थी, लेकिन हृदय हमारा तब भी वैसे ही रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लगातार हमसे बात कर रहा था। और परमेश्वर का वो वचन मुझे स्मरण आता था कि तुमने सेतमित पाया है तो तुम सेतमित दो। सो मैंने जब परमेश्वर से सेतमित पाया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी सेतमित ही दूंगा। परमेश्वर ने अमित के हृदय को देखा और उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आज अमित बरेली के एक स्कूल में एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं और परमेश्वर को अपने काम के द्वारा महिमा दे रहे हैं। कितना अच्छा लगा अमित जी से मुलाकात करके, और हमने देखा कि अपनी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने लोगों की मदद की और परमेश्वर के कार्यों के लिए उन्होंने आगे बढ़ कर के दिया। बहुत मुश्किलें थी, काफ़ी कठिनाइयां थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। बिल्कुल दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हम एक चीज़ देखते हैं, वो है परमेश्वर का चरित्र, है ना। परमेश्वर कौन है, उसे क्या भाता है, कौन सी चीज़ें परमेश्वर को पसंद है, नापसंद है, इन सब के बारे में हमें शास्त्र बताता है। शास्त्र एक ऐसा किताब है जिसे पढ़कर हम परमेश्वर को और बेहतर तरीके से और करीबी से जानने लगते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ही विजिबल है बाइबल में, वो है गॉड का हार्ट। गॉड इज़ अ वेरी कंपैशनेट गॉड, बहुत ही करुणा निधान हमारा परमेश्वर है। वो अपने पूरी रचना की ओर अपनी करुणा को दर्शाता है, खासकर उनके प्रति जो बदनसीब है, जो मजबूर है, जो लाचार है। हम जब पुराना करार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कई सारे नियम थे जो चार लोगों के लिए खास रीति से बनाए गए थे। ये कौन थे चार लोग? ये वो लोग थे जो बहुत मजबूर थे, जो उस ज़माने में बहुत मुश्किल में थे, और इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए ऐसे नियम बनाए ताकि उनकी उन पर कोई हानि नहीं आए। वो चार कैटेगरीज थे, विधवा, दूसरा था अनाथ, तीसरा परदेसी, और चौथा जो बहुत गरीब है, दरिद्रता में है। दोस्तों ये परमेश्वर का हृदय है। गॉड इज़ देयर शील्ड एंड देयर शेपर्ड, परमेश्वर उनकी ढाल है और उनका चरवाह है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये परमेश्वर आज्ञाएं इसलिए देता है ताकि हम परमेश्वर के हृदय को समझें और हम भी उनके प्रति जो मजबूर है, लाचार है, उनके प्रति हम भी अपने मदद का हाथ बढ़ाएं। इसी को कहते हैं टू हैव अ हार्ट ऑफ गॉड, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। हम देखते हैं कैसे डेविड ने मेफीबोशेत के प्रति अपनी करुणा दिखाई, अपनी दया दिखाया। परमेश्वर चाहता है दोस्तों हम भी ऐसा ही करें। अगर आज आपने कुछ पाया है, आपके पास शायद बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन थोड़ा ज़्यादा तो है, जिसमें से थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। एक खूबसूरत वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो है नीति वचन 19वां अध्याय 17वां वचन। मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहूँगा, प्रोवर्ब्स 19:17। नीति वचन 19वां अध्याय 17वां वचन कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। दो चीज़ें शास्त्र कहता है, एक, जब हम किसी कंगाल या गरीब को देते हैं, मदद करते हैं, तो मानो वो ऐसा है जैसे परमेश्वर को हमने उधार दिया है। क्या बात है! और उतना ही नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है जो ऐसा करता है वो यकीनन इसका पुरस्कार पाएगा, वो यकीनन इसका रिवॉर्ड पाएगा। दोस्तों देर किस बात की, आइए आज हम संकल्प करें कि हम योगदान देने में, गरीबों की मदद करने में हिचकिचाए नहीं, अपना पार्ट हम प्ले करें ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो और वो हमारे जीवन में और आशीष बरसाए। जी, और दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे जैसे आप
दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जेनरोसिटी में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर भी आपके जीवन को बहुत आशीषित करे। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं किसी भी विषय पर या जेनरोसिटी में आगे बढ़ने के लिए, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो वाई नॉट वी प्रे टुगेदर। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN फेयर लाइन पर, हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। यस दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप हमें वॉइस कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया के साथ प्रार्थना के समय में जुड़ेंगे। आज निवेदिता और ग्लोशिया खास उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं जो जेनरसली लोगों की मदद कर रही हैं, ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में आशीष लेकर आ रही हैं। सो डू जॉइन अस, वील बी राइट बैक। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए, आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो जेनरोसिटी में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। यस, और दोस्तों हम भी इस नेक काम में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहता है कि हम भी जो कंगाल है, जो गरीब है, उनको मदद कर सके जितना हम कर सके। परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि कितना बड़ा रकम है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय में दिलचस्पी लेता है और वो देखना चाहता है कि हमारा हृदय कैसा है। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया के साथ प्रार्थना के समय में जुड़े, जो आज उन सब के लिए प्रार्थना कर रही हैं जो दिल खोलकर लोगों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में आशीष लेकर आते हैं। तो आइए हम प्रार्थना के समय में उनके साथ जुड़ जाएं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्पेशली उनके लिए प्रेयर करेंगे जो गरीबों और दूसरे नीडी लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, ताकि आपको इसका प्रतिफल मिले। आप चाहे कैसे भी दूसरों की मदद करते हो, गॉड ऑनर्स योर एक्ट ऑफ लव। आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं बाय गिविंग लव टू अदर्स इन बिग एंड स्मॉल वेज। आइए इसी के साथ हम अपने पहले कॉल को लेते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मदर का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना है, तो वो चलते जा रहा दिन पर दिन, और उनके कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए करना है। और मेरा सैलरी काफी कम हो चुका है, जॉब करता हूँ तो पहले मतलब जितनी सैलरी थी अभी हाफ सैलरी में काम करना पड़ रहा है। मेरी एक बहन का भी कुछ पैसा इधर उधर अटका हुआ है, वो भी रिलीज हो जाए बाकी फैमिली की हेल्थ के लिए। जी हाँ ब्रदर, आइए इसी के साथ हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम भाई के प्रार्थना निवेदनों को आपके पास लाते हैं। इस समय उनको आपके आशीष की ज़रूरत है। हम उनके मदर के ऑपरेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि उनको अपना स्ट्रेंथ दीजिए, अपना विजन दीजिए पिता परमेश्वर, जो उनके आँख में जो भी तकलीफ़ है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम में जाते रहे। पिता परमेश्वर, भाई के फाइनेंशियल सिचुएशन को आपके हाथों में देते हैं, कि बहन को भी आपके हाथों में देते हैं, उनको भी आशीषित करिए। उनके तकलीफ़ों को भी पिता परमेश्वर आप जानते हैं। पिता, हम पूरे विश्वास के साथ इन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपको देते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई, आप विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, हम आपके साथ हैं, हम आपको जरूर सपोर्ट करते रहेंगे। लेट्स प्रे फॉर आवर नेक्स्ट कॉलर। हाँ ब्रदर, हमारे बिजनेस को प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे, कुछ गलतियाँ हो जाती है, गलत माल खरीद लेते हैं, तो मार्गदर्शन करे प्रभु बिजनेस करने में। जी हाँ भाई, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम भाई के इस रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं। वो विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से पिता परमेश्वर, हमारे पार्टनर हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे वो लोगों की मदद करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपसे पिता परमेश्वर कि आप उन्हें गाइड करें उनके बिजनेस में, उन्हें सही रास्ते में चलने में उनकी सहायता और मदद करें, उनके बिजनेस में आप उनको आशीषित करें पिता परमेश्वर, और प्रार्थना मांगते हैं कि आप उनके जीवन से हर एक गलत द्वार को भी बंद करेंगे। थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग टू आवर प्रेयर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई धन्यवाद देते हैं पहली बात तो कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहे हैं, और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। एक्चुअली मेरा न्यूली मैरिज हुआ है, उसी के लिए और कुछ नहीं, अंदर करियर के लिए। आइए भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने भाई को अपने पार्टनर के साथ जोड़ा है, उनको इस बंधन में बांधा है। हम उनके इस नए मैरिज के लिए आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि उनका घर आपके प्रेम से भरा रहे, आपके अंडरस्टैंडिंग से भरा रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम उनके करियर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उनका सहारा बनिए पिता परमेश्वर, और उनको गाइड करिए पिता परमेश्वर, उनके लिए नए रास्तों को खोलिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन्होंने अपने कमी में से या जिस भी सिचुएशन में से दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है पिता परमेश्वर, आप भी उसी तरीके से पिता परमेश्वर उनके घर को अपने राज्य की चीज़ों से भरिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम इस विनती को, इस प्रार्थना को आपके हाथों में रखते हैं और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई सबसे पहले तो हम आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपके नए विवाह के लिए। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, और परमेश्वर इस चीज़ को देख रहे हैं, वो आपके हार्ट को जानते हैं, और वो आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। आप आगे भी हमारे से जुड़े रहें। आइए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरा ना 15 जून 2018 को एक्सीडेंट हुआ था मैडम जी, तो दोनों टांगे टूट गई थी मेरी, ठीक है जी। तो अभी मैं ना स्टिक से चलने लग गया हूँ, चर्च जा रहा हूँ मैं, कोई 8-9 महीने चर्च जा रहा हूँ मैं जी। भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने भाई को बचाए रखा पिता परमेश्वर, उन्हें आप संभाले रखें, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आप उन्हें ठीक कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। भाई को हम प्रार्थना मांगते हैं कि आप उन्हें कम्फर्ट दें, उन्हें स्ट्रेंथन करें पिता परमेश्वर, और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने उस दौरान पे खोया था पिता परमेश्वर, आप उन्हें रिस्टोर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे लगातार, और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने गिव अप नहीं किया, आप मजबूत बने रहें, और हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो सारे काम कर पाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे। अगर आप भी लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रेम को लेकर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो अभी कदम उठाइए। जो आप बोएंगे उसी को आप काटेंगे, और परमेश्वर बहुतायत से आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का डेट नहीं रखता। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना चाहते हैं, तो आप हमसे CBN प्रेयर लाइन पर कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेजेस और वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं अपने मातृभाषा में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो देर किस बात की। आप इस समय अपना फ़ोन उठा सकते हैं और हमें डायल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ये लाइंस जो है हमारी, ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है, और हम आपकी मातृभाषा में आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जी। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कॉल करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ, और हमें मौका देते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर सामर्थी है, जीवित परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। इसलिए दोस्तों, विश्वास के साथ आप कॉल करें, अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।
यस दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। लव इज पेशेंट, प्रेम स्नेहिल होय, प्रेम ले ढा गर्दैना, प्रेम निजे प्रशंसा कखनो निजे करे ना, से अभिमानी हुए नहीं, वह बुराइयों का कोई लिखा जोखा नहीं रखता, प्रेम सख्त नहीं हुंदा, प्रेम खुद कर्ज नहीं हुंदा, अति आसानी नाल प्रेम क्रोधी नहीं बनता। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष मांग रहे हैं हमारे उन सब दर्शकों के लिए जो दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके जीवन से बहुत सारे जरूरतमंद लोग आशीष पा रहे हैं। यस दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर का वचन आप तक लेकर आए, और हमें बड़ी खुशी होती है जब एक नई जिंदगी के द्वारा आप जो हमारे दर्शक हैं आप इन्हें पसंद करते हैं और आप आशीषित होते हैं। जी, और ये हमें पता चलता है आपके मैसेजेस पढ़कर। तो दोस्तों, अभी समय है कि हम आपके अप्रिसिएशन मैसेजेस पढ़ें, और समय है शुक्रिया शुक्रवार का। पहला मैसेज जो है वो हमें प्रवीण बबाले ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रहे हैं, मैं आपका कार्यक्रम रोज देखता हूं। मैंने आपके कार्यक्रम में लोगों की गवाहियां देखी है कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें कर्ज से आजादी दी है, और इसलिए आपका कार्यक्रम देखकर मुझ में विश्वास आया है कि जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें कर्ज मुक्त किया है, परमेश्वर मुझे भी कर्ज मुक्त करेगा। आमेन। बिल्कुल प्रवीण भाई, परमेश्वर बिल्कुल आपको कर्ज मुक्त करेगा, और हम प्रोत्साहित हुए हैं ये जानकर कि इन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास मजबूत हुआ है। इस विश्वास को थामे रखें, परमेश्वर पे भरोसा करें और सही कदम उठाएं, परमेश्वर यकीनन आपको कर्ज मुक्त करेगा। जी बिल्कुल, और आइए पढ़े एक और व्हाट्सएप मैसेज जो हमें भेजा है उषा ने, और उषा कह रही है, एक नई जिंदगी कार्यक्रम में जो आप वचन शेयर करते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं, ये बात दिल को छू जाती है। आप सब इतने प्यार से सब कुछ समझाते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने प्रेयर लाइन में फ़ोन करके जिन जिन लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू उषा जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज, योर मैसेज मीन्स अ लॉट टू अस। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है ऐसे मैसेजेस पढ़ करके, और परमेश्वर की मदद से हम इसी काम में लगे रहेंगे, और आप भी इस प्रोग्राम को देखते रहें और परमेश्वर की ओर नज़दीक आते रहें, और साथ ही इस प्रोग्राम के बारे में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी आप बताते रहें। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक नई जिंदगी और लोग देख पाएँ, तो आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org/givetocbn पर जा सकते हैं और अपना योगदान अनुदान दे सकते हैं, ताकि और लोग एक नई जिंदगी देखें और उनका जीवन भी आशीषमय हो। जी बिल्कुल, इस समय जब सबको इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, प्रोत्साहन की ज़रूरत है, क्यों ना हम सब मिलकर के इस प्रोग्राम से आशीष पाएं, इंकरेजमेंट पाएं और परमेश्वर के और करीब आएँ। यस दोस्तों, इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए जो अलग अलग कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना अनुदान दे रहे हैं। हमारी प्रार्थना होगी परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे, ताकि आप और भी परमेश्वर के राज्य में बो पाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है, ये काबिलियत दिया है कि हम तेरे द्वारा लोगों को आशीष पहुंचा सके, खासकर उन लोगों के प्रति जो बदनसीब है, जो लाचार है, जो मजबूर है। प्रभु, हमारा हृदय तेरे समान हो। प्रभु, तू चाहता है कि हर कोई जो तेरी आराधना करता है वो तेरा हृदय उठाकर चले, और तेरा हृदय है ज़रूरतमंदों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा इस्तेमाल कर प्रभु,
हम आशीष की प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए जो अलग अलग नेक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, जो जुड़े हैं दूसरों के जीवनों में आशीष लाने में। प्रभु उन्हें बरकत दे, उन्हें अच्छी सेहत दे और आशीषों के दरवाज़ों को खोल ताकि हम और दे पाए। प्रभु हम और लोगों के जीवनों में आशीष बन पाए, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन 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 आमेन। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह ने कहा पाने से देना धन्य है, तो जैसे आप दे रहे हैं परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। जी बिल्कुल, परमेश्वर की आशीष आप सबके जीवनों पर हमेशा बनी रहे। आइए इस समय हम देखें ये आशीष भरा वचन। दोस्तों ये कितना प्रोत्साहनजनक वचन है जो हमें बताता है कि हमारे हर ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने में सक्षम है। जैसे आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर देख रहा है और वो आपको भी किसी घटी से जाने नहीं देगा। जब भी आप मुश्किल हालात में होंगे परमेश्वर आपको बरकत देगा और लोगों की दुआएँ आपको लगेंगी। आमीन। और हमारी यही प्रार्थना भी है कि आपके जीवन में कोई घटी कभी ना हो और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब पूरी हो और आप अपने जीवन में बहुत आयत से आशीषों को अनुभव कर पाएं। यस, दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं, एक संकल्प किए हैं कि हमसे जो बन पड़े हम दूसरों की मदद करें। जी, और समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं, आशा करते हैं आप इससे बहुत आशीष पाएंगे। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है, गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान हम बिगड़े सबका, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, पांच को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लुटाए, यीशु ही वो नाम है, रोते रुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है, सबसे महान हम बिगड़े सबका, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है,